दोस्तों, क्या आपके मोबाइल की भी इंटरनल मेमोरी हर वक्त लो हो जाती है? और आपके मोबाइल में हर हमेशा कुछ जब इंस्टॉल करते हैं कुछ या डाउनलोड करते हैं तो ऑप्शन आता है इंटरनल मेमोरी लो, प्लीज़ क्लीन अप सम और डिलीट सम डेटा टू इंस्टॉल इट और टू डाउनलोड इट। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और इसी बारे में हम बात करेंगे और समझेंगे इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे हम हाँ अपने मेमोरी को क्लीन रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं एनएस नेटवर्क यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में मैं एंड्रॉयड और कंप्यूटर रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो दोस्तों, जहाँ तक इंटरनल मेमोरी लो होने की बात है ना, ये बहुत से कारण से हो सकती है। जैसे देखिए दोस्तों, हम प्ले स्टोर में ओपन करते हैं कोई भी ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं, बाद में क्या होता है उस ऐप को हमें पसंद नहीं आता तो हम उस ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं। इससे होता क्या है दोस्तों, आपके मोबाइल के अंदर जो इंटरनल स्टोरेज में है ना, वहाँ पे उस ऐप की जो रेसिडुअल कुछ फाइल होती हैं, कैच फाइल होती है, वो कैच फाइल स्टोर रह जाती है जो आपके इंटरनल स्टोरेज को कंज्यूम करती है। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, उस फाइल सबको जो ऐप आप इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर चुके हैं उसका अगर कोई भी फाइल या फोल्डर आपको दिखे तो आप उसे डिलीट कर दीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो इंटरनेट से होता है दोस्तों। जब हम कभी भी इंटरनेट सर्च करते हैं, कोई भी गाना हमें पसंद आया हमें इंस्टॉल कर लिए, बाद में क्या होता है वो गानों को हम सुनते ही नहीं है। कोई भी फेसबुक या कोई व्हाट्सएप हम सर्च यूज़ कर रहे हैं, कोई भी फ़ोटो पसंद आया हमें, हमने सेव कर लिया, बाद में क्या होता है वो फ़ोटो को हम देखते ही नहीं। तो ऐसे मत कीजिए दोस्तों, जो फ़ोटो आप नहीं देखते हैं उसे आप मतलब डिलीट कर दीजिए। कम से कम वीक में एक बार ऐसा अपने फ़ोन के साथ ज़रूर कीजिए, जो फ़ोटो आपको पसंद है वो उसको रखिए, जो फ़ोटो पसंद नहीं है उसे डिलीट कर दीजिए, जो गाना आप सुनते हैं उसे रखिए, जो आप यूज़ नहीं करते उसे डिलीट कर दीजिए, ताकि आपकी इंटरनल मेमोरी जो है वो पूरी तरह से क्लीन रहे। ठीक है, और एक बात, जैसे दोस्तों क्या होता है ना, जब हम कैमरा यूज़ करते हैं कुछ भी फ़ोटो हमें पसंद आए तो हम सट 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 क्लिक कर लेते हैं, दो तीन शॉट्स के निकाल लेते हैं, उससे कुछ फ़ोटो अच्छे आते हैं कुछ बुरे आते हैं, बाद में क्या होता है हम उसे देखते भी नहीं है कैसा आया है नहीं आया है, कुछ आया है पड़ा है पड़ा है। तो ऐसा मत कीजिए हाँ दोस्तों, जो पिक्चर अच्छा आया है उसे आप रखिए, जो पिक्चर अच्छे नहीं आया उसे आप डिलीट कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो इंटरनल मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा क्लीन रहेगा। और ऐसे भी दोस्तों, आप एक ऐप यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है कैच क्लीनर। कैच क्लीनर बहुत सारे ऐप हैं, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, कोई भी ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए और उससे आप अपने ऐप्स का जो रेसिडुअल फाइल होता है, जो कैच फाइल होता है ना, उसे आप क्लीन कर रख सकते हैं। इससे भी आपका मेमोरी जो इंटरनल मेमोरी है बहुत ज़्यादा क्लीन हो रहेगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और एक बात मैंने खुद देखी है दोस्तों, अगर आपका इंटरनल जो स्टोरेज है वो जितना क्लीनर रहता है आपका फ़ोन का परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहता है, तो आपका रैम उतना अच्छा चलता है। तो कोशिश कीजिए आपका जितना फाइल है जितना डेटा है उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को आप एसडी कार्ड में रखिए, ताकि आपके मोबाइल का परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी तरह से काम करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।